नमस्कार दोस्तों, टिप्स टू यू YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप समझेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान घी खाने से नॉर्मल डिलीवरी होती है या नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए टिप्स टू यू YouTube चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि चैनल पर प्रेगनेंसी और उससे जुड़ी नई वीडियो जैसे ही अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। नॉर्मल डिलीवरी जो कि गर्भवती महिला का एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है कि नॉर्मल डिलीवरी उनकी होगी या नहीं, लेकिन आजकल की गर्भवती महिला कुछ दर्द से बचने के लिए अपनी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी की जगह सीजेरियन डिलीवरी करवाती है। कई केस में ऐसा भी होता है कि कुछ डॉक्टर पैसे की लालच में आकर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होते हुए भी आपकी ऑपरेशन डिलीवरी करवा देते हैं, लेकिन आपको उन डॉक्टरों से सावधान रहने की ज़रूरत होती है क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी ही डिलीवरी का बेहतर और बेस्ट तरीका होता है। नॉर्मल डिलीवरी के समय ही थोड़ा दर्द होता है, लेकिन उसके बाद आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है। वहीं अगर आप ऑपरेशन डिलीवरी करवाते हैं तो कई महीनों तक आपके घाव रह सकते हैं, जो कि आपके लिए एक सही बात नहीं होती है। आइए जानते हैं प्रेगनेंसी में घी खाने से आपकी नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है। उससे पहले आप यह जान लें कि प्रेगनेंसी में घी खाने से आपके शरीर में क्या क्या फायदे होते हैं। आपको मैं बता दूं, घी में रेचक गुण पाए जाते हैं जो कि आपके प्रसव को लाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। आपको मैं बता दूं, अगर आप घी खाती है तो घी आपके योनि को चिकना करने में और आपकी डिलीवरी आराम से करवाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान घी का सेवन नियमित रूप से किया जाए तो घी आपको पाचन से जुड़ी कई सारी दिक्कतों को दूर करता है, जैसे कब्ज, एसिडिटी जैसी दिक्कतों को नहीं होने देता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में घी खाने से आपके गर्भ में पल रहे शिशु के मस्तिष्क का विकास काफ़ी अच्छे तरीके से होता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान अगर घी खाया जाए तो घी प्रेग्नेंट महिला के शरीर को मजबूत करता है। इसके अलावा आपके शरीर को पोषित करता है और आपके शरीर को गर्म रखने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। ये सारे फैक्टर नॉर्मल डिलीवरी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इन सारे फायदों को जानने के बाद आपको पता लगा होगा कि प्रेगनेंसी में घी खाने से नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं प्रेगनेंसी में घी खाने से नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं। तो इसका एक ही जवाब है, हाँ। प्रेगनेंसी में घी खाने से आपके शरीर में जब इतने सारे फायदे होंगे तब आपकी नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं होगी, इस पर कोई शक नहीं है। घी आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होता है। इसका यह मतलब नहीं है कि आप ज़्यादा घी का सेवन करें। नॉर्मल डिलीवरी के लिए घी खाना सुरक्षित होता है, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में। प्रेगनेंसी के तीसरे तिमाही में आपको मात्र 200 से लेकर 300 कैलोरी की ज़रूरत होती है। अगर आप ज़्यादा घी खाती है तो इससे आपके शरीर में ज़्यादा कैलोरी होती है, जिस वजह से आपकी मोटापे की दिक्कत बढ़ सकती है, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है। तो आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए घी का सेवन कर सकती है, लेकिन आप 1-2 चम्मच घी का सेवन रोजाना करें, यह आपके लिए सही रहेगा। वहीं अगर आपका वजन पहले से बढ़ा हुआ है तो आप ज़्यादा घी का सेवन ना करें, आप 1 चम्मच घी का ही सेवन करें तो यह आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि घी आपके वजन को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो इन सारे फायदों और नुकसान को जानने के बाद आपको क्या लगता है, प्रेगनेंसी में घी खाने से आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं। अगर आपको वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप हमसे आसानी से कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।